बिल्किस बानो 20 साल की थी और गर्भवती थी। जिन लोगों ने उनका घर उजाड़ा उन्हें वो वर्षों से जानती थी। दोषियों में से एक को वो चाचा कहती थी और एक अन्य को वो भाई कहकर बुलाती थी। बिल्किस ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके सामने परिवार के सदस्यों को मारा गया, उनकी 3 साल की बेटी की भी 3 मार्च 2002 को हत्या कर दी गई, उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी गईं। लेकिन क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि जिन दोषियों ने ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था उन्हें कोर्ट ने क्षमा नीति के तहत क्षमा कर दिया, यानी कि वो दोषी अब उम्र कैद की सजा पूरी किए बिना जेल से बाहर आ गए हैं। जिसके बाद सालों से न्याय का इंतजार कर रही बिल्किस बानो अब टूट चुकी हैं। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बिल्किस बानो की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके भी दर्द छलक उठेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ऐसी तमाम जरूरी खबरों से अप टू डेट रहें। दरअसल गुजरात के 2002 गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में जीवित बचने वाली महिला बिल्किस बानो ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई होने पर निराशा जताई है। बिल्किस बानो ने कहा है कि 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई ने न्याय में उनके विश्वास को हिला कर रख दिया है और उन्हें स्तब्ध कर दिया है। बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के परिवार की 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था। बिल्किस बानो ने भावुक होते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, वे आज मुक्त हो गए, तो मैं पूरी तरह से निःशब्द हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध हूँ। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय ने मेरे विश्वास को हिला कर रख दिया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी ने मेरी सुरक्षा और कुशल क्षेम के बारे में नहीं पूछा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ, कृपया इस नुकसान को पूर्ववत करें, मुझे बिना किसी डर के और शांति से जीने का मेरा अधिकार वापस दो। कृपया सुनिश्चित करें कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। बता दें कि मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने 21 जनवरी 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक समय तक जेल में सेवा की, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय पूर्व रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उसकी सजा की छूट के मुद्दे को 1992 की नीति के अनुसार उसकी दोष सिद्धि की तारीख के आधार पर देखने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया और सभी दोषियों को जेल से समय से पहले रिहा करने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिल्किस बानो जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की दंगाइयों ने निर्मम हत्या कर दी थी। दोस्तों, न्याय की इस प्रक्रिया को लेकर के आपके क्या राय है? क्या अदालत का ये निर्णय सही है या गलत? क्या बिल्किस बानो के साथ ये न्याय है या अन्याय? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।